फालतू मूवी है, बहुत ही बकवास लगी, वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टोरी वीक स्टोरी है। कई मूवी फीकी पड़ गई, जितना हाइप था उतनी मतलब उतना इट डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं फर्स्ट हाफ थोड़ा मतलब बोरी हो गया था। कैसी लगी सर? बेकार कॉमेडी है एकदम, नहीं मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगा। और वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कॉन्सेप्ट था, फालतू मूवी है। सच बताऊँ तो बहुत ही बोरिंग, क्रिंज। मतलब रोहित शेट्टी से ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि बहुत ही बकवास लगी। मतलब इसके सामने मेरे को अभी हमशक्ल अच्छी लग रही है, इतनी बकवास। स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। और एक्टिंग अभी रणवीर सिंह को ऐसे देखे ऐसे लग रहा है कि इसकी अगर ये सुपरस्टार है तो ना ही हो तो अच्छा है। एंड सॉन्ग्स वर ऑल्सो टू बोरिंग। अरे मैं तो यही बोलूँगी कि इससे अच्छा जो ओल्ड मूवी है संजीव कुमार की अंगूर, वो देखें मास्टरपीस, ये नहीं। कंफ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में इन्होंने क्रिंज बना दिया और कुछ नहीं। पब्लिक हंस रही थी बिकॉज हाँ जॉनी लीवर के वजह से और मिश्रा जी के वजह से, उनके लिए मैं वो थोड़ा स्टार्स दे सकती हूँ, बाकी ओवरऑल मूवी वॉज फ्लॉप। जैकलीन, आई डोंट नो, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम था। पूजा हेगड़े वॉज ओके ओकेश। सिर्फ डीपी वॉज लुकिंग सुपर ऑसम और वो करंट लगा, तो वो सॉन्ग अभी ट्रेंडिंग है तो वो अच्छा लगा, बाकी ओवरऑल नो। हाँ एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि रोहित शेट्टी से जो एक्सपेक्टेशन था वो हाई लेवल का था। उन्होंने सूर्यवंशी दिए, इतने सारे इतने अच्छे बैक टू बैक मूवीज़, गोलमाल भी अच्छी थी। अब ये देखकर ऐसा लग रहा कि कहाँ बना दिया इन्होंने ये। सीरियसली उनको तो यही बोलूँगी मत अपने वेस्ट मत करो पैसे, ऐसे संजीव कुमार की वो देख लो अंगूर देख लो, सबसे बेस्ट है। रणवीर सिंह को प्लीज़ बिल्कुल नहीं अब टक्कर नहीं देंगी। मैं तो ये रणवीर सिंह से ये बोलूँगी कि सर आपको जो अवार्ड मिला सुपरस्टार ऑफ द डिकेड, वो आप अभी वार्डरोब में रखोगे या वापस करोगे? ऐसी एक्टिंग एक कर 1.5। मुझे मूवी काफ़ी एवरेज लगी, मतलब रोहित शेट्टी की मूवी थी तो मुझे बहुत अपेक्षा थी मूवी से, बट मुझे बहुत एवरेज लगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हाफ तो फिर भी ठीक है, देर इज़ ह्यूमर, बट सेकेंड हाफ आते आते देर आर लॉट ऑफ रैंडम सीन्स। हालांकि एडिटिंग ठीक है, 2.25 घंटे की मूवी है, बट आई थिंक और अच्छी हो सकती थी। मतलब फोर्स ह्यूमर लगा सेकेंड हाफ में, तो स्ट्रेच किया, इतना ड्रैग किया है तो कुछ मज़ा नहीं आया। इतने अच्छे अच्छे सीजन एक्टर्स थे, संजय मिश्रा ने हंसाया और वरुण शर्मा की भी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, रणवीर सिंह का डबल रोल था, वरुण शर्मा का भी डबल रोल था, लेकिन कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गए सेकेंड हाफ आते आते। और कितने सारे अश्विनी कलसेकर और फिर कितने सारे एक्टर्स, मुरली शर्मा और बहुत सारे मतलब जॉनी लीवर, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस को मुझे लगता है वेस्ट किया। देखिए स्टोरी तो पहले भी अंगूर मूवी हम लोग ने देखी थी और अंगूर मूवी कितनी अच्छी थी, संजीव कुमार नेक्स्ट लेवल की थी। और ये दोनों मूवीज़ कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर की कहानी है उसके ऊपर बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि और एंगेजिंग हो सकती थी। जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े को तो क्यों लिया समझ में नहीं आया। और यही जो प्रोटैगनिस्ट थे रणवीर सिंह और वरुण शर्मा ने, इन्होंने बीच बीच में हंसाया लेकिन बहुत जगह लगा कि इट वाज फोर्स्ड ह्यूमर, मतलब जोक्स, मतलब नोबडी वाज लाफिंग, नोबडी वाज दैट, यू नो, जिस तरह की रोहित शेट्टी की टिपिकल मूवीज़ होती है कि गोलमाल सीरीज़ देख लीजिए आप या उनकी एक्शन मूवीज़ भी देखिए, बहुत ग्रिपिंग होती हैं, तो उस तरह से हम लोग थोड़ा सा निराश हो गए क्योंकि ये मूवी का इतना हाइप था, इतना प्रमोशन था, तो समवे वी एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस मूवी। सी मुझे तो संजय मिश्रा का रोल बहुत अच्छा लगा और बाकी जितने भी मैंने एक्टर्स बोले वो आए और चले गए, कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं चला। सतीश शाह भी है, सुलभा आर्या, बहुत सारे ऐसे सीजनड एक्टर्स हैं, सब अपने अपने रोल में ठीक ठाक थे, बट स्टोरी इतनी ग्रिपिंग नहीं थी जैसे एक कॉमेडी होनी चाहिए ना। क्या मतलब अगर आपको कहानी पता भी है, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अभी क्या होगा ऐसे, तो उस तरह से उतनी एंगेज। हालांकि मुझे सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगी, वो रेट्रो लुक, वो ईरा जो दिखाया है, सो जमॉन जॉन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग भी ठीक है बंटी नागी की, म्यूज़िक भी और अच्छा हो सकता था। तीन कंपोजर्स है, बादशाह, देवी प्रसाद और एक और है सीजो जॉर्ज, तो म्यूज़िक भी ठीक ठाक है। ज़्यादा पुराने गानों को प्ले किया गया बैकग्राउंड में, जो ऑब्वियसली ओल्ड इज़ गोल्ड, बट ओवरऑल स्टोरी स्क्रीन प्ले मुझे उतना मतलब मज़ा नहीं आया देख के। सर, इसमें एक गाना भी है,
वो गाना एक है वो जो बहुत अच्छे से शूट किया गया, और दीपिका और मतलब हाई वोल्टेज एनर्जी है, वही फर्स्ट हाफ में वो गाना है, तो वो एक गाना है जो अच्छा है। दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री तो सेट द स्क्रीन ऑन फायर। बट ओवरऑल हम लोग मूवी को देखेंगे, इफ़ वी लुक एट ऑल द एस्पेक्ट्स, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, तो कहीं ना कहीं मूवी फीकी पड़ गई। जितना हाइप था उतनी मतलब उतना इट डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। आज 60% ऑक्यूपेंसी थी, 60% इज़ गुड एनाफ, पर मुझे लग रहा है कि वेकेशंस है और रोहित शेट्टी का नाम इतना है और उनकी हर मूवी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर होती है, तो अभी देखिए। बट एज फार एज रिव्यूज़ मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही एवरेज लगी। हो सकता है, लेकिन मूवी का अगर कंटेंट स्ट्रांग है, अभी दृश्यम 2 इतना बायकॉट कैंपेन क्या क्या चल रहा था, दृश्यम 2 देखिए कैसे उभर के आ गई, या पहले भूल भुलैया 2, वो हालांकि भूल भुलैया 2 मुझे बहुत एवरेज लगी थी, लेकिन दृश्यम 2 तो एक मास्टरपीस है, और फिर बीच में रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज जैसे कांतारा वगैरह, तो आई थिंक और अच्छी हो सकती थी। मैं विद अ हैवी हार्ट, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कहते हो कि 2.5 कम किया, वही है कि मुझे लगता है कि म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, स्क्रीन प्ले और ग्रिपिंग हो सकता था, और आई डोंट नो, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, वो रेट्रो लुक दिखाया, बहुत ही कलरफुल है, जैसे रोहित शेट्टी के वो सेट्स वगैरह होते हैं, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, बट समवे इट लैक्स दैट कंटेंट जो चाहिए, इवन दो वी न्यू द स्टोरी बट इट लैक्स कंटेंट। किसी लगी सर्विस? वन टाइम वॉच, एक बार देखने लायक है ये, बिकॉज हमें रोहित सर की ना वो मूवीज़ की आदत है जिसमें एक्शंस होते हैं, फाइट सीन्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, गाने सुपर हिट होते हैं, एंड बोलते हैं ना गाड़ियाँ उड़ाना, तो उसे रोहित सर की मूवीज़ में ही देखने मिलता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टोरी वीक स्टोरी है, एंड चले जा रही आपको बीच में बोर भी करेगी, और ऐसा होगा कि इंटरवल कब आएगा, फिर सेकेंड हाफ में ऐसा लगेगा थोड़े टाइम के बाद अरे क्लाइमैक्स आएगा, स्टोरी बहुत खींचे जा रही है। जॉनी लीवर सर की एंट्री कितने टाइम के बाद दी उन्होंने, बट उन्होंने 4 चांद लगा दिया आगे, जॉनी लीवर सर आके 4 चांद लगा दिए उनके। रोहित सर को मैं एक बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत कम डायरेक्टर्स करते कि एक एक कास्ट पे फोकस करते, एक एक कास्ट को प्रॉपर रोल देते, उन्होंने हर एक कास्ट पे अच्छा फोकस किया है। इनफैक्ट रणवीर सिंह सर से ज़्यादा तो जो मल्टी स्टार कास्ट है ना उन पे ज़्यादा फोकस किया है, स्पेशली हमारे वसूली भाई, संजय मिश्रा सर एंड जॉनी लीवर सर, इनको इतना फोकस किया है ना, मज़ा आ जाता है देखने के लिए सच में। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जॉनी लीवर सर का यूनिक ट्रेंड हो गया है, खुद के पैर छूना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। मूवी में एक ही वो शॉट है जो आपको बहुत हंसाएगा, क्योंकि जिस तरीके से छूते हैं बाकी के लोग भी छूते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है देख के कि आपसे हम भी यही करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको ही बोलते हैं। एक ही गाना अच्छा है, कितना इम्पैक्ट करता है पिक्चर? दीपिका मैम तो अचानक से सडनली आ जाते हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि अभी आएगी, हमें लगा कि शायद क्लाइमैक्स में या फिर सेकेंड हाफ में आएगी, बट अचानक से उनकी एंट्री हो जाती है गाने में और हम शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो गाना थिएटर में इतना अच्छा लग रहा था ना सुनने के लिए, ऐसा कि हम भी उठ के नाचने लगे। बस ऐसे बोलो ना कि थोड़ा और शॉर्ट होना चाहिए दीपिका मैम का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने में डांस किया और वो चले गए, कुछ हमें लगा कि भी कुछ न्यूज़ आई वो पुलिस में, पुलिस का रोल करने वाले कॉप का, तो शायद उनका कुछ ऐसा होगा या वापस से उनकी एंट्री हो यूनिफॉर्म में, कुछ भी ऐसा नहीं था, वो बोलते ना बस चले जा रही, उन्होंने बस बाकी स्टाकास पे फोकस करके क्लाइमैक्स में थोड़ा सा शॉट दिखा के मूवी ख़त्म कर दी, वो भी बस रणवीर सिंह का आमने सामने भी कुछ इतना नॉर्मल आ गया, हमें लगा कुछ अच्छा सा होगा, फाइट होगा, कुछ भी नहीं। ये अंगूर का रीमेक तो मैं बोलूँगी इतना कुछ रीमेक बोलते हैं ना बहुत कम है, मतलब सिर्फ सिमिलर बोलते ना इंस्पिरेशन लिया हुआ है, इट्स जस्ट दैट कुछ ऐसा रीमेक नहीं है। हाँ 1979 की गोलमाल जब आई थी ना अमोल पालेकर जी का, उनका थोड़ा मुझे लगा क्योंकि उसमें भी बोलते ना डुप्लीकेट रोल है, कन्फ्यूजन होता है, वो थोड़ा क्रिएट किया है इसमें। बस 3 स्टार्स, बिकॉज हमें रोहित सर की मूवी से वो एक्सपेक्टेशंस चाहिए थी ना, वो एक्शंस नहीं थे, गाने भी, अब देखो गाने भी एक ही अच्छा गाना था, एंड एक जो दूसरा था जो बादशाह सर ने गाया था वो क्लाइमैक्स में डाल दिया क्लाइमैक्स के बाद, तो बोलते ना हमें रोहित सर से वो क्रिसमस गिफ्ट वो जो हमें चाहिए था ना वो नहीं मिला, सेंटा क्लॉज हमें लगा झोली में भर के आते हैं ना वैसे ये भी लाए गए, कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी लेके आए वो अपनी झोली में, लॉजिक मत ढूंढो इस मूवी में, बस अपने मम्मी पापा और दादा दादी है जो भी बड़े बुजुर्ग है उनको लेके जो कि 1960 का एरा है, तो उनको अच्छा लगेगा सर्कस एंड ऑल देखने के लिए, बच्चों को भी मजा आएगा। बाकी इस जनरेशन को मैं बोलूँ कि आप लोग अगर लॉजिक ढूंढो तो लॉजिक मत ढूंढो, बिना लॉजिक की मूवी है ये, बस कॉमेडी के लिए चले जाओ, इतना ही बोलूँगी। थैंक यू। ठीक है, बस इतना बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं बोलूँगी, बस ठीक है, ओके ओके।
स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहली बात स्टोरी समझ में नहीं आया, एंड एक्टिंग वाइज ठीक है बस, ओके ओके, मतलब वन टाइम वॉचेबल। और बिल्कुल नहीं, वेस्ट है, टोटली वेस्ट है, मतलब इतने सारे एक्टर्स को, अच्छे अच्छे एक्टर्स को ले लिया, बट उनका जो रोल है कैरेक्टर वाइज बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। बहुत सॉन्ग करंट लगा इज मस्त, एंड सुन जरा डेट इज़ ऑल्सो मस्ट, रेस्ट नो नॉट। मतलब आउट ऑफ फाइव टू, उस स्टोरी स्पेशली जो स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी स्टोरी नहीं है उसमें, और जो वो लोग मैसेज देना चाह रहे थे उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी। आई डोंट थिंक सो, इतना कुछ खास, इतना कुछ उससे बहुत अच्छा काम, रोहित सर की फिल्म मतलब एक अलग लेवल का एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन अभी उसमें कुछ ऐसा हम खास हमको लगा नहीं। थैंक यू। सर्कस बोले तो अभी सर्कस हम मोस्टली जाते हैं बाहर ऐसा गार्डन वीडन में देखने के लिए ऐसा जाके, पर रोहित शेट्टी ने इस बार थिएटर में सर्कस दिखा दिया। हालांकि सर्कस मूवी हम लोग धूमत्री भी देख चुके हैं, पर ये अलग कॉमेडी वाले सर्कस मिली आपको। तो अभी मूवी की बात करो तो मूवी अगर फर्स्ट हाफ की बात करो तो फर्स्ट हाफ थोड़ा ओके है, मतलब बहुत स्लो चलती है और बहुत कन्फ्यूजिंग है कि कौन सा रणवीर सिंह कौन है कौन, क्योंकि दोनों का नाम भी सेम है, और दोनों के वरुण शर्मा का भी एक तो डबल रोल, नसीब वाले के उनको साइड रोल में डबल रोल मिला, आज तक इस एक काम से रोहित शेट्टी कर सकते और कोई नहीं कर सकता, तो डबल रोल मिला। कोई कोई जगह पे आपको फर्स्ट टाइम हम शक्ल की मूवी याद आएगी, जो हम शक्ल साजिद खान ने बनाया वैसा बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि उन लोगों में तीन शक्ल और तीन था वैसा था, तो आप भी वैसे ही बताया। पर बात करो सेकेंड हाफ की, मैं फर्स्ट हाफ थोड़ा मतलब बोरी हो गया था हालांकि, पर सेकेंड हाफ में जब मैं बैठा तो रणवीर रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह को क्या बोला, भाई तेरे को पेमेंट पूरा मिल जाएगा पर तेरे को मैं काम कम दूंगा, तू साइड हट जाना बस, मेरे को कुछ और निकालना है। और जो आप देख रहे हो इतने सारे लोग दिख रहे हैं आपको पीछे, सबसे काम जो निकला ना साइड हीरो के, सिद्धार्थ, जॉनी लीवर सर, हमारे संजय मिश्रा सर, सबसे कॉमेडी का जो काम निकला है, पब्लिक पेट पकड़ के हंस रही है सेकेंड हाफ में, मैं हंस हंस के पागल बोला क्या आ गया भाई रोहित शेट्टी आ गया, ये बोलूँगा। बाकी रोहित शेट्टी थोड़ा ये बोलूँगा निराश हूँ थोड़ा, क्योंकि आपकी मूवी में एक्शन और गाड़ी फोड़ने के अलावा ये नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। अरे आप यार सूर्यवंशी इतना कमाई, सिम्बा इतना कमाई, एक गाड़ी फोड़ ही देते तो थोड़ा सिटी भी निकल जाती पर नेवर माइंड, आपने हंसी का तड़का तो लगा दिया, क्रिसमस का वो बोला मैंने। हाँ, रोहित शेट्टी ने ऐसा नहीं किया कि मैं इसको काम कम दूंगा, उन्होंने मेन कैरेक्टर को सिर्फ कन्फ्यूजिंग के लिए रखा है, ऑडियंस के लिए कन्फ्यूज, रणवीर सिंह ऐसा लगा कि वो हीरो लग ही नहीं रहे, कन्फ्यूजिंग लग रहे कि यार किधर क्या है, पर हंसाया ये लोग जो मैं जो बोल रहे थे ना पब्लिक इतना ट्रोल कर रहे थे कि इतना खिचड़ी बनाया इतने लोगों, अरे यहाँ तक आपने तो इतने कैरेक्टर ट्रेलर में देखे थे, मूवी के अंदर जाओगे ना आपको सिम्बा का रेपिस भी मिलेगा कॉमेडी करते हुए, और सूर्यवंशी का जो साइड में जो पुलिस वाले थे ना वो भी मिलेंगे, वो जो जाड़िया था वो पतला हो एक एक जन को, तो रोहित शेट्टी ने ऐसा मेकअप करा जैसा आपको 90s का हमारे रंजीत द रेपिस वो लगेगा, तो इतना मतलब उन्होंने बनाया। और खासकर उन्होंने 90s के गाने भी बजाए यहाँ पे तो और मज़ा आएगा, खासकर फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो रखा उन्होंने, वो बोलूँगा। हाँ डिफरेंस बोलो तो अभी रोहित शेट्टी के साथ पूरा रीमेक बनाते ने कुछ कुछ सीन रहा है, पर मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो रीमेक है, शाला के कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा कि हाँ दो हमारे संजीव कुमार थे और दो कोई तो थे, यहाँ पे भी ऐसे है दो वरुण धवन और दो मुरली सर ने हमारे अदली बदली कर दिया, हाल ही उनके वो एक पिक्चर थी अल्लाह वैकुंठ जो उन्होंने बदली किया था, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, बच्चे बदली किए उन्होंने तो वो बच्चे बदला करके एक्सपीरियंस किया वो किया। पर हालांकि मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है कि रणवीर सिंह को करण क्यों लगता है, वो बताया नहीं पिक्चर में अभी, हालांकि उसका अगर सेकेंड पार्ट में मालूम पड़ता थी क्योंकि हिंटो दिया ही नहीं है सेकेंड हाफ का। हाँ गोलमाल के पास लोग आते हैं पर वो मतलब ही नहीं था, क्योंकि उन लोग ने सीन क्यों बनाया ऐसा कि वो लोग ऑफिनेश के अंदर जाते हैं और जब बाहर आते हैं तभी गोलमाल अगेन बन चुकी है 4, तो अभी गोलमाल 5 क्या बनेगी वो भी नहीं पता, तो अभी पता ही नहीं क्या है, तो वेट करते हैं कैसा है। पर करंट लग गया भाई मेरे को गाना देख के, दीपिका को देख के हैरान हो गया भाई, मियाँ बीवी ने जो डांस किया है, गाना खत्म हो गया बोला भाई रिवर्स बजाओ यार बहुत मजा आया। अभी तो 31st आने वाला है तो वही गाना बजने वाला है, लास्ट ईयर मतलब जो जब 2018 के जब 31st थी तभी मेरा वाला डांस आँख मारे बजता था, अभी करंट लगा बजेगा, तो सच में बहुत मजा आ गया गाना सुनो, मियाँ बीवी का डांस पूरा एनर्जेटिक,
पूरा एनर्जेटिक, ऐसा लगेगा उन्होंने रिहर्सल किया रहेगा, अपना खुद का ही डांस किया है। और दीपिका क्या दिख रही है, ग्लैमरस, मतलब ऐसा लग ही नहीं आइटम सॉन्ग कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत अच्छा है। उस पर भी बहुत कुछ कन्फ्यूजिंग बताया था गाने में कि एक रणवीर सिंह डांस करके जाता है, जब दूसरा आता है तो बोला अब ये भी नाचेगा क्या। तो सच में बहुत मजा आया देखने के लिए मूवी। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ ऑडियंस को एक ही बात बोलूँगा कि रोहित शेट्टी के पिक्चर में हम लॉजिक देखने आओगे तो आपको मजा नहीं आएगा, और वो खुद ही बोले कि मेरे पिक्चर में लॉजिक नहीं है, ओनली मैजिक, और यहाँ पे आपको कॉमेडी का मैजिक मिलेगा, ये बोलूँगा। आउट ऑफ फाइव मैं 4 स्टार दूंगा, बिकॉज 1 स्टार इसलिए काटा कि आपने गाड़ी नहीं फोड़ा और एक्शन नहीं देखा है, क्योंकि ये दो चीज़ रहता है ना तो बूस से सिटी और निकलती। थैंक यू।